हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड वी आर इंस्ट्रक्टर वाया नोटन स्कूल। तो आज के पर इस पर्टिकुलर वीडियो में एक और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वो क्वेश्चन होने वाला मेजॉरिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या कि हमें क्या क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एरे दे रखा होगा। अब उसमें से हमें मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है, मतलब कि जो एलिमेंट ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो अपने को फाइंड करना होगा। ओके, तो इसको अपन सिंपल सोल्व करने वाले हैं मैप मेथड की हेल्प, सॉरी मैप की हेल्प से। तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में कैरियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5,66,000। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5,66,000 प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट उसके बाद न्यूटन स्कूल को पेमेंट। और जो न्यूटन स्कूल का ये वाला बैच है उसके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। ओके, तो बस गाइस, ये था हमारा न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, बेसिक्स अपन एक एरे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट अपन बेसिकली फाइंड करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सिंपल मेरे पास एक एरे दे रखा होगा इस तरीके से। ये एक मैं एरे यहां पर बना लेता हूं, 2, 2, 4, 2, 2 and 4, 6, 2, 5, 2। ओके, ये मेरे पास एक एरे होने वाला है। तो अब अपने को क्या करना है, वो एलिमेंट यहाँ पे रिटर्न करना होगा जो मेजोरिटी टाइम आ रहा है। मतलब मान लीजिए कि वो एलिमेंट जो मेरा n बाई टू से ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है, n बाई टू से ज़्यादा बार आ रहा है, वो मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना है। तो वो मेरा इस तरीके से यहाँ पे क्या होने वाला है, मेरा 2 ही होने वाला है। यहाँ पर एक लिट कोड का क्वेश्चन भी ये वाला, तो इसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप इसको प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। बेसिकली अपन इसको सोल्व भी करने वाले हैं कंप्लीट। ओके, तो वापस मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं बेसिकली, तो इन सभी अपन यहाँ पे यूज करेंगे मैप का। तो मैप में क्या होगा, यूनिक वैल्यू स्टोर होती है और की वैल्यू पेयर के फॉर्म में चीज़ों को अपन स्टोर करवा रहे होते हैं। तो जब इसको मैं एरे को मैप में स्टोर करूँगा तो क्या होगा, तो मतलब 2 एक बार आएगा, 4 एक बार आएगा, 6 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा। ओके, मतलब यूनिक वैल्यू मेरे उसके अंदर आने वाली है। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, की वैल्यू के अंदर यहाँ पे की के जगह मेरे यूनिक होंगे तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। और इसके जो वैल्यू की चीज़ होने वाली है ना, उसके करस्पॉन्डिंग मैं स्टोर करवा दूंगा फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 बार आ रहा है, एक बार आ रहा है तो 1 से 1, अगर 6 से ज़्यादा बार आ रहा है तो मैं उसको इंक्रीज करता रहूँगा। ओके, और जब ये मेरे पूरे हो जाएंगे इसको, अब इसके बाद मैं कंडीशन चेक कर लूँगा कि मेरे को n बाई 2 से ज़्यादा बार कौन आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवा दूंगा। ओके, तो ये सिंपल सा लॉजिक होने वाला है, इसी को अपन इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला, फंक्शन यहाँ पे मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट मेजॉरिटी एलिमेंट करके, मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से मेजॉरिटी एलिमेंट। और इसको एक एरो फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से एक एरो फंक्शन की हेल्प से, और यहाँ पे इस तरीके से इसको करने वाला है। नहीं, इसको एक फंक्शन नॉर्मल फंक्शन की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक नॉर्मल फंक्शन की हेल्प से ही इसको करने वाला हूँ, फंक्शन कीवर्ड की हेल्प से, ठीक है। मेजॉरिटी एलिमेंट इस तरीके से और इस तरीके से, ओके। और यहाँ पे अपन इसको बनाते हैं ऐसे, और यहाँ पे अपन पास करेंगे एरे, और इस मेजॉरिटी एलिमेंट को सिंपल कंसोल डॉट लॉग भी करवाने वाले हैं, मेजॉरिटी एलिमेंट, ठीक है ना, मेजॉरिटी एलिमेंट। और इसके अंदर यहाँ पे अपन पास कर रहे होंगे, ये जो हमने एरे डिक्लेयर किया वो अपन यहाँ पे सिंपल पास कर रहे होंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो सबसे पहले अपन को ये चीज़ फाइंड करनी है कि जो हमारी कितने बार से ज़्यादा आ रहा है ना उसको रिटर्न करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए इस तरीके से कॉन्स्ट कंडीशन, ओके कंडीशन। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, सिंपल एन बाई टू ना, तो जो मेरा एरे होने वाला है एरे डॉट लेंथ इस तरीके से, ओके बाई टू। तो अब इसको यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना, मैट डॉट फ्लोर। और इसके अंदर इस तरीके से इस चीज़ को यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि ये मेरे इससे ज़्यादा बार जो आ रहा है उसको मेरे को यहाँ पे रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कंडीशन की जगह वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैप में यहाँ पे डिक्लेयर करने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, सिंपल इस तरीके से, ओके कॉन्स्ट मैप मैप, और इस तरीके से मेरा मैप बन चुका है। अब क्या करेंगे, इस मैप के अंदर जो एरे के एलिमेंट होने वाले उनको मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे किस तरीके से ऐड करूँगा, तो एक फोर लूप की हेल्प से इसको ट्रैवर्स करते हैं पूरा कंप्लीट। लेट आई इज टू 0 से अपन इसको स्टार्ट करने वाले हैं, और आई जिसकी लेंथ जो पूरी एरे की लेंथ होने वाली है, एरे डॉट लेंथ, ओके इस तरीके से, और यहाँ पे आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो भी मेरी वैल्यूज होने वाली हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्स्ट एक वैल्यू एक इस तरीके से बनाते हैं, एरे ऑफ आई, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस चीज़ को अपन मैप के अंदर डालने वाले हैं वैल्यूज को, ओके। तो वो मैं किस तरीके से ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, तो सिंपल मैप ऑफ वैल्यू, ठीक है, मैप ऑफ वैल्यू,
ओके अब इस केस में क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसका क्या करूँगा, इसके मैं फ्रिक्वेंस मतलब की वैल्यू पेयर के फॉर्म में चीज़ें होंगी, तो की तो यहाँ पे मेरी ये वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है, जो मेरी इसकी वैल्यू आ रही है, इसके अंदर वैल्यू क्या ऐड करेंगे वो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आ रहा है, अगर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसके लिए वन ऐड कर दूंगा, अगर मेरे एक से ज़्यादा बार अगर वो रिपीट हो रहा है वो वाला एलिमेंट, तो उस केस में मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, उसको एक से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मैं सिंपल क्या यूज करूँगा, यहाँ पे और ऑपरेटर यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ इस तरीके से, मैप ऑफ वैल्यू, इस तरीके से वैल्यू, ओके लेकिन वैल्यू, और इसको एक से इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से प्लस वन, इस तरीके से मैं चीज़ें होने वाली है। तो आई होप आप ये वाली चीज़ समझ गए होंगे। ओके तो ये मेरी क्या हो जाएगी, मैप के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पेयर के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी भी ऐड हो जाएगी, जो मेरी वैल्यूज होने वाली वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। ओके तो फर्स्ट क्या होगा, टू के लिए मेरे यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टाइम आएगा तो वन आ जाएगा, सेकंड टाइम आएगा तो ये वाली मेरी एक से इंक्रीज हो जाएगी, थर्ड टाइम आएगा तो एक से इंक्रीज हो जाएगी। ओके तो बेसिकली ये हमारी चीज होने वाली है, तो इस तरह सारी मैप के अंदर सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। अब यहाँ पे मैं सिंपल एक कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि जो भी मेरे मैप की वैल्यूज होने वाली है, जो मेरे कंडीशन इसने प्रोवाइड की है और उससे ज़्यादा बार जा रही है, तो इसको मैं यहाँ पे एक कंडीशन की जगह यहाँ पे मैं थ्री सोल्ड ऐड कर देता हूँ ना, जिससे हमें एक पता चल जाएगी किस तरीके से ये चीज़ें होने वाली है, ठीक है। ओके ये मेरा थ्री सोल्ड होने वाला है इसका, हाँ ओके थ्री सोल्ड। तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन ऐड करने वाला हूँ इफ़ कि जो भी मेरा मैप की वैल्यूज होने वाली है, मैप ऑफ वैल्यू, ठीक है, मैप ऑफ वैल्यू, अगर ये क्या हो जाएगी मेरे से ज़्यादा बार चली जाती है, थ्री सोल्ड से ज़्यादा जाती है, तो उस वैल्यू को मैं पे रिटर्न करने वाला हूँ सिंपल। ओके तो यहाँ पे मैं इसको थ्री सोल्ड, तो इसको बाद यहाँ पे मैं इसको सिंपल इसको रिटर्न वैल्यू, ठीक है, रिटर्न वैल्यू इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इस पेज को सेव करता हूँ, आता हूँ यहाँ पे अपने ब्राउजर पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो एलिमेंट आ रहा है वो क्या हो रहा है, टू ही मेरा यहाँ पे मैक्सिमम बार आ रहा है, मतलब एन बाई टू से ज़्यादा बार आ रहा है। ओके तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल इस वाली चीज़ को अपन अपने जो लेट कोड का क्वेश्चन होने वाला है उसको भी सोल्व करने वाले हैं, तो इस वाले फंक्शन को ऐसे कॉपी करते हैं और वापस अपने लेट कोड पे चलते हैं, ठीक है। और तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो एन बाई टू से ज़्यादा बार अपीयर हो रहा है, उसको मेरे को सिंपल रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट किया, लेकिन मेरे को एक चीज़ यहाँ पर करनी होगी, इसको नम्स करना होगा, ठीक है, नम्स एक चीज़ ऐड करनी है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे को ये वाली चीज़ भी ऐड करनी होगी नम्स, ठीक है। और अब यहाँ पे इस पेज को सेव करने के बाद अपन इसको रन करते हैं, देखते हैं कि हमारा प्रॉपर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके तो हमें यहाँ पे इसको नम्स करना होगा, सॉरी, वापस इसको रन करते हैं, और आई थिंक ये अभी पूरा कंप्लीट चल जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आने वाला। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा मेजोरिटी एलिमेंट, इससे अपन क्या कर सकते हैं, जो भी मेजोरिटी एलिमेंट जो भी हमें कंडीशन प्रोवाइड की गई इससे अपन इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके तो जैसे हमारे रन हो जाएगा तो मैं इसको सबमिट करके भी देखते हैं कि वहाँ पर भी हमें कोई भी एरर नहीं आना चाहिए, अगर कोई भी एज केसेस होंगे वो भी अपन इसको सिंपल हैंडल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मेरे इसके टेस्ट केसेस है वो भी यहाँ पे चल चुके हैं, तो अब इसको यहाँ पे सबमिट करने वाले हैं सिंपल। ओके तो बस गाइस ये हो गया हमारा मेजोरिटी एलिमेंट के बारे में, तो आई होप आपको ये वाला वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशन हो वीडियो के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ओके तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।